लॉकडाउन व्यवस्था को कारगर तरीके से लागू कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी लॉकडाउन का पालन कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं। रविवार को भागलपुर की सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का लोग ही जरूरी काम से बाहर निकले। छठे दिन शहर की सड़कों पर लॉकडाउन की क्या स्थिति रही, आइए हम आपको दिखाते हैं। मिला सड़क पर वीरानगी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो ये कचहरी चौक की चौक जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ पर चारों तरफ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी आदमी यहाँ पर नजर चलते फिरते नजर नहीं आ रहे हैं। अति आवश्यक कार्य जिसे है वही नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भागलपुर में पिछले 5 दिनों से लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम आपसे अपील करते हैं, सिल्क टीवी भी आपसे यह अपील करती है कि अनावश्यक घरों से नहीं निकले। जब आपको ज़रूरी काम हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। अगर मुझे रिपोर्टिंग अगर नहीं करनी होती, हम मुझे खबर आपको दिखाने की जिम्मेदारी नहीं होती, तो मैं भी अपने घरों में रहता, सुरक्षित रहता, तभी आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। पूरे देश में नशाखुरानी और जहरखुरानी के खिलाफ अभियान चलाने वाली संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर भागलपुर एवं मुंगेर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु खेतान अपनी टीम के सदस्यों के साथ जिले के कहलगांव, पिरपैती, गोराडी, जगदीशपुर, नाथनगर, अकबरनगर, सुल्तानगंज एवं मुंगेर जिले के तारापुर और असरगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से घरों में रहने, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के साथ ही अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील कर रहे हैं। विष्णु खेतान ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल तक संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया गया है, जिसका लोग पालन करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करें, तभी हमारा देश इस वैश्विक महामारी से निजात पा सकता है। उन्होंने लोगों से स्वच्छ रहने के साथ सतर्क रहने की भी अपील की है। मौके पर तारापुर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, कालीचरण शर्मा, सुमित अग्रवाल, अर्पित जालान, मनोज बुदिया, डॉक्टर रकीब आलम एवं मिनहाज आलम मौजूद थे। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या हो आप उनसे बताएं, लेकिन आप बेवजह 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से यहाँ से कहीं बाहर आना जाना ना करें, पूरी तरह से लॉकडाउन रहे। लॉकडाउन के अंदर में ये आप समझिए कि सरकार के द्वारा कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव भागलपुर में ना हो, इसको लेकर नगर निगम की ओर से जगह जगह सैनिटाइज्ड अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने के साथ ही निगम की टीम लगातार घूम घूम कर शहर में चल रहे सभी वाहनों को सैनिटाइज कर रही है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग सुरक्षित रह सके। कोरोना के कारण गरीब एवं दिहाड़ी मजदूर परिवार के बीच भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है। लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार एवं उनकी टीम लोगों का सहारा बनकर सामने आई है। थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंद परिवार की सूची बनाई गई है और सभी के बीच गांव में कैंप लगाकर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसमें थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मी मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मदद कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने कहा कि जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए वह हमेशा आगे रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, जिससे लोग अपने घरों में रहकर वायरस के संक्रमण चेन को तोड़ने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबों की मदद करने में आगे तो आ रहे हैं, लेकिन उन समाज सेवकों द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की काफ़ी भीड़ कुछ स्थानों पर देखी जा रही है। रविवार को ऐसी ही तस्वीर हबीबपुर थाना क्षेत्र के मुअज्जमचक इलाके में देखने को मिली। दरअसल समाज सेवी हाजी मंसूर अली समाज के असहाय लोगों को राहत सामग्री बांट तो जरूर रहे थे, लेकिन हाजी साहब जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन भी कर रहे थे।
रिलीफ पैकेट बांटने के नाम पर हाजी मंसूर ने सैकड़ों की संख्या में दरवाजा के बाहर भीड़ तो जुटा ली, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई ठोस इंतजाम करना भी मुनासिब नहीं समझा। उसी दौरान जब कुछ लोग पैकेट लेने के लिए बेकाबू हो गए तो हाजी साहब ने हबीबपुर थाना को इसकी सूचना फोन से दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची, लेकिन थाना प्रभारी भीड़ को हटाने के बजाय हाजी साहब के दरवाजे पर ही जाकर बैठ गए और भीड़ को हटाने के बजाय तमाशबीन बने रहे। हद तो तब हो गई जब गेट के बाहर 100 से अधिक की संख्या में लोग सारे नियम कानून तोड़कर खड़े थे, लेकिन हबीबपुर थाना की पुलिस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाए बिना ही निकल गई। वहीं हाजी मंसूर ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आप यह भी देख लें। प्रत्येक आदमी को 5 किलो चावल, 2.5 किलो आटा, 2 किलो आलू, 0.5 किलो नमक, ये पैकेट करके सबों को, इतने लोग आए, कुछ लोग रह गए तो कल दे देंगे। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल इसमें देखने को मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ख्याल नहीं रखा है। हमने ख्याल रखा, हमने यहाँ ये कर दिया है, एक एक मीटर पर गोल धागा बना दिया है धारा, लेकिन अब लोग हजाम हो गया तो हम अपना जान तो नहीं ना देंगे। हम जानते हैं 8% आदमी है क्या, हम आगे हम क्या करें, सामने मौजूद रहते हुए है कि नहीं, इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने भी ये बात हुआ है। सर पुलिस आई थी, हाँ हबीबपुर थाना इंस्पेक्टर, अरे सब आइए क्या, तो उसमें हम क्या करें, अब हमारा कहाँ रोल रह गया है, हमने तो इंतजाम कर दिया भाई सामान बांटने का। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आपदा राहत शिविर बनाया गया है। राहत शिविर में दूर दराज से आए लोगों की सबसे पहले मेडिकल जांच की जाती है, इसके बाद बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। रविवार को भी टेबल कुर्सी लगाकर पटना और आसपास के जिले से आए मजदूरों को बुला बुलाकर भोजन कराया गया। वहीं जिला आपदा पदाधिकारी विकास कुमार कर्ण ने बताया कि शिविर में वैसे लोगों के लिए भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई है जो दूर दराज से आकर लॉकडाउन में फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि राहत शिविर में जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो बेसहारा लोग आए हैं, जो आश्रित लोग आए हैं, उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। और 2 दिनों से यह केंद्र यहाँ पर संचालित है भागलपुर में। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे, राहत केंद्र में जिनकी ड्यूटी है उनसे बात करेंगे। सर बताइए किस तरह की व्यवस्था, क्या सब सुविधा दे रहे हैं आप? देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिया था और कि काफ़ी लोग जो है जो डेली वेज अर्नर हैं वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो काफ़ी लाचारी में हैं, तो उनके लिए सामुदायिक किचन स्टार्ट करने का निर्देश मिला था। तो DM सर ने हमें निर्देश दिया और अभी हम 3 जगह हम सामुदायिक किचन चला रहे हैं, जहाँ पर लोग जो निराश्रित हैं, जिनके पास खाने का कोई साधन नहीं है, वो आके रह सकते हैं। साफ सुथरी जगह है, वहाँ पर पूरी सैनिटाइज है, वहाँ रह सकते हैं। खाने की व्यवस्था भी है, जैसा आप देखें लोग खाना भी खा रहे हैं यहाँ पर। और किसी को अगर यहाँ पे मेडिकल टीम भी आती रहती है, किसी को कोई सिम्टम है कुछ भी है तो उसकी जांच भी हो जाती है। तो सर प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ किया गया है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इसके, क्योंकि हमने सारे पुलिस स्टेशन को खबर दे दिया है और सारे SDO को खबर दे दिया है और प्रेस को भी हमने बताया है कि आप अपने माध्यम से भी खबर फैलाइए, जो भी आपको दिखे कहीं मोहल्ले में कोई दिखे जो निराश्रित है उसको यहाँ पे आप फैलाइए। माइकिंग भी करवाई गई है पुलिस की गाड़ी से, अंचल अधिकारी की गाड़ी से, कि जो भी निराश्रित है, जिनको कोई दिक्कत है, खाने पीने में दिक्कत है, रहने को नहीं है, आप यहाँ आके रह सकते हैं, आपकी चिकित्सा हो जाएगी, जाँच हो जाएगी, सब व्यवस्था यहाँ पर। नोवल कोरोना वायरस से फैली बीमारी जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है और जिससे भारत भी अछूता नहीं है, ऐसे में सक्षम लोग काफ़ी संख्या में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर AK राय ने 1 माह का पूरा पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि TMBU के शिक्षक संघ भूष्टा एवं भूटा द्वारा पहले ही मार्च माह के 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया है। सिल्क TV भी आप सभी संपन्न और सक्षम लोगों से प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक अंशदान करने की अपील करती है, ताकि हमारा देश इस महासंकट से बाहर निकल सके।